लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। बुरहानपुर में विजयदशमी दशहरा पर्व पर जिला पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का किया आयोजन। एसपी अजय सिंह, एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर ने किया शस्त्र पूजन। बुरहानपुर की ताप्ती नदी के राजघाट पर दुर्गा विसर्जन देखने आए दो युवक नदी में गिर गए। पुल पर रेलिंग नहीं लगी होने से दो युवक नदी में गिरे। नौरोजाबाद पुलिस ने लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी फरियादी की मोटरसाइकिल छीनकर भाग निकला था। बुरहानपुर में विजयदशमी दशहरा पर्व पर जिला पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। एसपी अजय सिंह, एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर ने शस्त्र पूजन किया। इसके बाद एसपी अजय सिंह और एडिशनल एसपी ने बंदूक व पिस्तल से हवाई फायर किए। इसके बाद सभी पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे के गले लगकर सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दी। बुरहानपुर से तफसील हुसैन मुलायमवाला की रिपोर्ट। बुरहानपुर की ताप्ती नदी के राजघाट पर दुर्गा विसर्जन देखने आए दो युवक नदी में डूबने से बाल बाल बच गए। दरअसल नदी पर हाल ही में एक पुल का निर्माण किया गया है जिसमें रेलिंग नहीं लगाई गई है। माँ दुर्गा का विसर्जन देखने के लिए लोग रेलिंग विहीन पुल पर जमा हुए। अचानक पैर फिसलने से दो युवक नदी में जा गिरे। घटना के तुरंत बाद विसर्जन में तैनात होमगार्ड के तैराकों ने लाइफ जैकेट के साथ नदी में कूदे। दोनों युवकों को लाइफ जैकेट पहनाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और परिजनों के हवाले किया। बुरहानपुर से तफसील हुसैन मुलायमवाला की रिपोर्ट। नौरोजाबाद पुलिस ने लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। फरियादी शुभम पिता रमेश तिवारी निवासी विंध्या कॉलोनी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। शुभम ने 2 अक्टूबर को नौरोजाबाद में शिकायत दर्ज करवाई थी कि विंध्या पुल के पास आरोपी कुल्लू उर्फ कुलदीप गोस्वामी अपने अज्ञात साथियों के साथ खड़ा हुआ था। इस दौरान उन्होंने शुभम को रोककर खर्चे के लिए पैसों की मांग की। पैसे नहीं देने पर आरोपी शुभम की बाइक छीनकर भाग गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। तलाशी के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कुल्लू उर्फ कुलदीप घटना के बाद बाहर जाने की फिराक में है और रेलवे स्टेशन के पास खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद की। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। बिरसिंहपुर पाली से राजकुमार गौतम की रिपोर्ट। नौरोजाबाद से बिंदिया अपने घर जा रहा था तो बीच में एक मोटरसाइकिल में 3 लड़के आए और उससे रोका और उससे पैसा की मांग की। उसने पैसा देने से मना किया तो उसकी बाइक KTM RC छीन कर ले गए थे। उसकी रिपोर्ट पर 300 और उसके साथ मारपीट भी किए थे। उसकी रिपोर्ट पर हमने थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और उसकी विवेचना की गई। विवेचना के दौरान कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उसने जो बताया कि एक उसमें माइनर है और गोलू साहू का नाम आया जो पाली का रहता है, तो कुलदीप को अरेस्ट कर लिया गया है। उसे आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। खरगोन में दशहरे पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर मार्च पास्ट निकाला। मंगलवार शाम को पुलिस ने रावण दहन के पूर्व शहर में मोहन टॉकी क्षेत्र, तालाब चौक क्षेत्र सहित जहां भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां गलियों में चेकिंग की गई। थाना प्रभारी ललित सिंह डागो ने बताया कि रावण दहन को लेकर यह व्यवस्था की गई है और भारी मात्रा में पुलिस बल मुस्तैद है। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। महत्वपूर्ण त्यौहार है तो शहर के जो भी संवेदनशील स्थान है उन पर पुलिस का चेक पोस्ट निकल रहा है। हम लोग जो संवेदनशील स्थान है उनकी गलियों को चेक कर रहे हैं और काफी मात्रा में फोर्स लगाया जाएगा और व्यवस्था पर्याप्त रखी जाएगी। पूजा पंडालों में 9 दिनों से स्थापित डौली तहसील क्षेत्र की 139 मूर्तियां विसर्जन हेतु विभिन्न घाटों के लिए पूजा पंडालों से मंगलवार दोपहर गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। वहीं पहले से ही त्योहारों को सकुशल निपटाने के लिए सतर्क प्रशासन काफी मुस्तैद दिखाई दिया। विसर्जन मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। बताते चले कि रुदौली तहसील क्षेत्र में नवरात्रि के पर्व पर कुल 194 प्रतिमाएं विभिन्न गांवों में बने पूजा पंडालों में स्थापित की गई थी। पूरे 9 दिन तक भक्तों ने माता के दरबार में विधिवत पूजन अर्चन व्रत रखा। वहीं दशमी के दिन 9 दिन से गांव में विराजमान दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन हेतु रवाना हो गई।
केंद्रीय दुर्गा पूजा व रामलीला समन्वय समिति के महामंत्री दुर्गेश चंद श्रीवास्तव ने बताया कि रुदौली क्षेत्र के रेच घाट में 82, कैची घाट पर 25, कामाख्या घाट पर 30 और अमौनी घाट पर 2 प्रतिमाओं का मंगलवार को विसर्जन होगा। उन्होंने बताया कि बाकी प्रतिमाओं का आगामी 10 तारीख को राम स्नेही घाट पर विसर्जन होगा। वहीं रुदौली में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान जगह जगह पर भक्तों के लिए भंडारा आयोजित किया गया। रुदौली में जगह जगह पर भक्तों ने श्रद्धालुओं के लिए छोला, चावल, पूड़ी, हलवा, बूंदी आदि प्रसादी वितरण किया गया। वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के किला चौकी के पास भक्तों के लिए जलप्याऊ लगाया गया, जिसकी देखरेख खुद नगर पालिका अध्यक्ष जब्बार अली कर रहे थे। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को बधाई शुभकामनाएं हैं। तहसील क्षेत्र में कुल 194 माँ प्रतिमाओं की स्थापना हुई थी, जिसमें आज 8 तारीख को रेत घाट तट पर 82 मूर्तियाँ का विसर्जन होगा, कैंती घाट पर आज 25 मूर्तियों का विसर्जन होगा, कामाख्या घाट पर आज 25 मूर्तियों का विसर्जन होगा और अमौनी घाट पर 2 मूर्तियों का विसर्जन होगा और परसों 10 तारीख को कल्याणी घाट पर, रामचंद्र घाट कल्याणी घाट पर लगभग 52 मूर्तियों का विसर्जन होगा। एक मूर्ति हमारी तेरी बाजार है, वो 2 दिन बाद 11 तारीख को अयोध्या में विसर्जन उसका होता है। इस तरह से 194 स्थानों पर मैया विराजित की बार और तमाम स्थानों पर रामलीलाओं का मंचन भी शारदीय नवरात्र में हुआ। क्षेत्र में बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से ये हमारा 10 दिन का त्यौहार सम्पन्न हुआ। इसके लिए हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, जिन्होंने हमारा सहयोग किया, केंद्रीय दुर्गा पूजा एवं रामलीला समन्वय समेत तहसील उन्होंने सहयोग किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो कैसा रहा है यहाँ ठीक है? कोई ऐसी बात नहीं। नगर पालिका परिषद रौली के द्वारा इस दशहरा और दुर्गा पूजा के दौरान पूरे नगर की साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई की गई है और जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं, पानी जल स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है और इसी बीच जो है साफ सफाई के बारे में, स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में पॉलीथिन यूज ना करने के लिए भी हमारे सभासद हमारे बगल बैठे हुए हैं राम सनेही जी और हमारे सभासदों के द्वारा नगर पालिका के द्वारा इसके प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और इस मेला परिसर में हमारी जो है पानी का टैंकर, शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है और जो मूर्तियां विसर्जन किए जा रही हैं उनके रास्ते में साफ सफाई की व्यवस्था की गई है और जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।